आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है T.A.G टेली अकाउंट GST। दोस्तों मेरे इस चैनल पर टेली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अकाउंटिंग और GST से संबंधित जानकारी भी आपको समय समय पर दी जाती है। यदि आप भी बेहद आसानी के साथ टेली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टेली में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। दोस्तों पिछले काफी दिनों से कमेंट्स मेरे चैनल पर आ रहे हैं कि सर आपने पोजीशन स्कीम के बारे में फुल जानकारी देने वाले एक वीडियो बनाई, तो आज उसी वीडियो के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। आज की इस वीडियो में हम जो भी कंपोजिशन स्कीम से संबंधित सवाल हैं उनके जवाबों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कंपोजिशन स्कीम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें, कंपोजिशन स्कीम के लाभ क्या हैं, हानि क्या है, कंपोजिशन स्कीम में कौन सा रिटर्न फाइल करना है, कब तक फाइल करना है, ये सारे के सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए विषय को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा आपको अपने चैनल के बारे में बताते हैं। मेरे चैनल का नाम है T.A.G टैली अकाउंट GST। यदि आप मेरे चैनल के माध्यम से टैली सीखना चाहते हैं तो जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है T.A.G टैली अकाउंट GST, ऐसा आप YouTube पर सर्च टाइप करके सर्च करेंगे तो ईगल लोगो शो होगा मेरे चैनल का, इस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पर आ जाएंगे और वीडियो ऑप्शन में जाकर आप मेरी आज तक की जितनी भी वीडियो है उनको देख सकते हैं और उनको देखकर बहुत ही आसानी से टेली में कार्य करना सीख सकते हैं और GST और अकाउंटिंग से संबंधित जानकारी भी ले सकते हैं। यदि आप फ्रेश स्टूडेंट हैं और सीरियल वाइज टेली सीखना चाहते हैं तो आप वीडियो ऑप्शन में लास्ट तक जाएं। सबसे पहली वीडियो है टेली में कंपनी बनाना, वहां से क्रम से आगे बढ़ते जाएं, वीडियो देखते जाएं तो आप सीरियल वाइज टेली भी मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत ही सरलता के साथ जो भी विषय मैं लेता हूं उसको जितना सरलीकरण हो सकता है उतना सरल करके आपके सामने लाता हूं और जितना एक्सप्लेन कर सकता हूं उतना एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपने विषय को। कंपोजिशन स्कीम के बारे में आज जानेंगे तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि कंपोजिशन स्कीम क्या है। दोस्तों GST में जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने GST ले रखा है यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफाई नंबर जिनके पास है उनको GST में अपनी जो भी परचेज है सेल है उसकी जानकारी गवर्नमेंट को देनी होती है GST पोर्टल। तो कंपोजिशन स्कीम की आवश्यकता क्यों पड़ी, दोस्तों कंपोजिशन स्कीम बहुत ही सरल और सिंपल इजी स्कीम है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो दोस्तों अपने देश में बहुत सारे व्यापारी ऐसे हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं और ऐसे व्यापारी यदि GST में कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन नहीं रखते तो वो व्यापार में उलझ जाते, क्योंकि रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन जो हैं उनको बहुत सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। जैसे मान लीजिए आपने एक इनवॉइस दिया और एक ही इनवॉइस में आपके पास 5% 12% 28% का आपने सामान सेल किया, प्रोडक्ट सेल किया। अब इसमें मान लीजिए ए आइटम है और उस पर 5% है, उसकी वैल्यू हो गई 1040 रुपए, तो आपको 1040 रुपए पर 5% कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद बी प्रोडक्ट है उस पर 18% है, तो 18% टैक्स है, उसकी वैल्यू है 5050 रुपए, तो 5050 रुपए पर आपको 18% टैक्स कैलकुलेट करके इनवॉइस में लगाना होगा। इसी तरह से 28% है यानी अलग अलग परसेंट के जब आप आइटम सेल करेंगे रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन तो उनको क्या करना होता है कि जो भी आइटम पर जितना टैक्स है वो ग्राहक से कलेक्ट करना होता है और उसकी गणना भी करनी होती है, कैलकुलेट भी करनी होती है। तो ये पद्धति बहुत कठिन है और जो सीधे व्यापारी हैं या जो कम पढ़े लिखे व्यापारी हैं तो उनको बहुत ज्यादा परेशानी आती, वो इसमें उलझ जाते, तो विरोध के स्वर भी काफी मुखर होते। और यदि रेगुलर में रहते ऐसे छोटे व्यापारी तो उनको क्या करना पड़ता, किसी को हायर करना पड़ता अपनी अकाउंटिंग करने के लिए, तो उन पर एक अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता, अतिरिक्त बोझ बढ़ जाता, आर्थिक बोझ। तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा और इसके लिए छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनको कंपोजिशन स्कीम के लिए एक ऑप्शन दे दिया कि आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं और इसमें बहुत ही साधारण तरीके से आप GST फाइल भी कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि छोटे छोटे जो व्यापारी हैं वो इसमें उलझ ना जाएं, इसलिए उनकी सुविधा के लिए कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन रखा गया। अब दूसरी बात यह होती है कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों इसके लिए जब हम रजिस्टर्ड होने जाते हैं GST में
जब हम जीएसटी लेने के लिए जाते हैं तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप जीएसटी जो रजिस्टर्ड कराने आए हैं वो कंपोजिशन स्कीम के लिए करा रहे हैं या रेगुलर के लिए करा रहे हैं, वहां पर एक ही प्रक्रिया है। तो जब हम रजिस्टर्ड होते हैं जीएसटी में, जीएसटी जब हम लेते हैं तो वहां पर इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हमको जीएसटी के लिए एक ही तरह से अप्लाई करनी होती है, चाहे रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन हो या कंपोजिशन स्कीम लेने वाले पर्सन हो। जब आप जीएसटी ले लेते हैं, आपके पास जीएसटी आ जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफाई नंबर जब आपके पास आ जाता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल के आता है कि आप रेगुलर रहना चाहते हैं या कंपोजिशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर होना चाहते हैं। तो उस जगह पर यदि हम कंपोजिशन स्कीम के लिए यस कर देंगे तो कंपोजिशन स्कीम हमारे लिए अप्लाई हो जाती है, हम कंपोजिशन स्कीम के लिए जो है वो अप्लाई कर लेते हैं और कंपोजिशन स्कीम में आ जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न ये उठता है कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है इसको कौन ले सकता है। जब हम कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं, कंपोजिशन स्कीम हम ले लेते हैं, तो फिर उसके बाद जो हमारी पहचान होती है वो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के रूप में पहचान होती है। ये एक वाक्य होता है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, इससे ये पहचान होती है कि आपने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, आप कंपोजिशन स्कीम के अंडर हैं। अब बात आती है कि इस स्कीम को कौन ले सकता है, तो इस स्कीम के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, तो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेडर्स हैं वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा रेस्टोरेंट संचालक हैं वो भी इस स्कीम के लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते इनका टर्नओवर, वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे हो। यानी आप जो सेल करेंगे उसका जो टोटल है वो 1.5 करोड़ से नीचे होना चाहिए। मतलब 1.5 करोड़ से नीचे जो भी ट्रेडर्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं और जो भी होटल या रेस्टोरेंट संचालक है वो इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहां पर कंडीशन भी है कि इस स्कीम का लाभ कौन नहीं ले सकते। अब यहां पर मैंने आपको बताया था, थर्ड नंबर का जो प्रश्न था, सवाल था, उसमें बताया था कि ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर और रेस्टोरेंट संचालक इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा प्रतिबंध है कि इस स्कीम का लाभ कौन नहीं ले सकते। तो इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सबसे पहली बात तो ये आ गई कि ट्रेडर्स में ऐसे व्यापारी जो ई कॉमर्स के जरिए व्यापार कर रहे हैं, जो ई कॉमर्स के जरिए व्यापार करेंगे वो कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात है मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरर ले सकते हैं जिनका 1.5 करोड़ से नीचे टर्नओवर है वार्षिक। तो मैन्युफैक्चरर में ऐसे मैन्युफैक्चरर जो कि आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऐसे मैन्युफैक्चरर भी इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जो कि आइसक्रीम, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर हैं ऐसे, तो वो भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा एग्जेम्प्ट गुड्स सप्लाई जो करते हैं ट्रेडर्स वो भी इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा सर्विसेज की बात करें तो केवल इसमें एक ही सर्विसेज शामिल की गई है, रेस्टोरेंट, और वो भी पाबंदी है कि रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही रेस्टोरेंट संचालक इस स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे जिनके रेस्टोरेंट में अल्कोहल सर्व नहीं की जाती, यानी शराब आदि जो है वो सर्व नहीं की जाती, सिर्फ वैसे ही होटल जो प्रोवाइडर हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, वो ही इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर और कौन नहीं कर सकते इस कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जो कि रहते तो किसी अलग राज्य में है और वहां पर उन पर जीएसटी भी हो सकता है जिस राज्य में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अन्य किसी राज्य में कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए वो व्यापार करते हैं और उनके पास फिक्स प्लेस ऑफ सप्लाईज नहीं होता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसे जो व्यापारी होते हैं, इनके पास जीएसटी में रजिस्टर्ड तो होते हैं लेकिन इनके पास अस्थायी रजिस्ट्रेशन होता है। तो ऐसे जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो भी इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, यानी अनिवासी टैक्सेबल पर्सन, भारत से बाहर के कुछ व्यापारी हैं, कुछ मंथ के लिए हमारे देश में आते हैं, व्यापार करते हैं, तो ऐसे लोगों पे भी रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन इनके पास भी अस्थायी रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी का, इसलिए ऐसे जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हैं वे भी इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं, वे इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न है,
कि बिल बुक पर क्या प्रिंट करवाएं। यहां पर कुछ प्रतिबंध रखे गए हैं, कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है उनके लिए यह कहा गया है कि आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि जब आप माल सेल करेंगे, रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन जब माल सेल करते हैं तो सेल करते समय वो क्या करते हैं, ग्राहक से टैक्स कलेक्ट करते हैं और गवर्नमेंट को पे करते हैं। लेकिन यहां पर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है कि आप सेल करते समय टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे और इसके लिए बाकायदा आपको बिल बुक पर यह प्रिंट भी करवाना होगा। यानी आप बिल बुक जो प्रिंट करवाएंगे उस पर हर बिल पर आपको ये लिखवाना होगा कि आप जो बिल दे रहे हैं वो बिल ऑफ सप्लाई होगा, आप टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते। तो आपको बिल पर, हर बिल पर, बिल बुक पर जितनी भी आपके बिल होंगे उन सब पर आपको ये प्रिंट करवाना होगा कि बिल ऑफ सप्लाई, और उसके नीचे आपको ये भी लिखवाना होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। ये दोनों बातें आपको उस पर प्रिंट करवानी होंगी बिल पर। एक तो आपको ये बिल ऑफ सप्लाई दे सकते हैं, आप जो है टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते, तो आपको बिल ऑफ सप्लाई भी यहां पर प्रिंट करवाना होगा ऊपर ही बिल के ऊपर, और ऊपर वाले भाग जो बिल का है उस पर आपको ये भी प्रिंट करवाना होगा। और इसके अलावा आपको ये भी प्रिंट करवाना होगा कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जब माल सेल करेंगे तो माल सेल करते समय आप जो है टैक्स कलेक्ट ना कर पाए ग्राहक से। जब आप ग्राहक से टैक्स कलेक्ट करेंगे और ये जो आपने ऊपर लिखा रखा है कि नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, तो ग्राहक आपको टैक्स नहीं देगा और आप टैक्स लेने के लिए एलिजिबल भी नहीं है, तो आपको ये प्रिंट करवाना होगा। इसके अलावा जो भी आपके साइन बोर्ड होंगे, साइन बोर्ड पर भी आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिखवाना होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। तो ये आपके लिए जरूरी है कि आप बिल बुक किस तरह से प्रिंट करवा और साइन बोर्ड पर आपको किस तरह से शो करना है। अब अगला प्रश्न ये है कि माल कैसे बेचे और इनवॉइस किस प्रकार से बनाए। अब दोस्तों यहां पर क्या है, ये पॉइंट जो है बहुत समझने वाला पॉइंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे कि माल कैसे बेचें। जो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है वो क्या करते हैं, जब माल परचेज करते हैं और परचेज करने पर जो टैक्स देते हैं, और जब सेल करते हैं, सेल करने पर ग्राहक से जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, तो उनको ITC मिलती है। जो परचेज पर उन्होंने टैक्स दिया है वो ITC उनकी टैक्स लायबिलिटी, यानी जो सेल करते समय उन्होंने सेल कलेक्ट किया है, टैक्स कलेक्ट किया है, उससे वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन आपके यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है क्योंकि आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है। जब आप टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है तो आप ITC भी किससे एडजस्ट करेंगे, तो आपको ITC भी नहीं मिलने वाली है। तो माल कैसे बेचें, अब आपको क्या करना है, रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, जो भी टैक्स देकर आया है उस टैक्स को आगे वसूल कर लेगा टैक्स के माध्यम से। लेकिन आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते ग्राहक से, तो आपको क्या करना है कि आप जो भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे और उस प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स आपने पे किया है उसको आप प्रोडक्ट की वैल्यू में ऐड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने परचेज किया 100 रुपए का और उस पर 12% टैक्स है, तो आप ये 12 रुपए जो बने टैक्स के उसको आप प्रोडक्ट की वैल्यू में शामिल कर लेंगे। यानी 112 रुपए का आपको प्रोडक्ट घर पर पड़ा, ये 112 रुपए हो गए। अब इस पर मान लीजिए 10% आप मुनाफा ऐड करना चाहते हैं अपना, तो 11 रुपए 20 पैसे आप अपना मुनाफा ऐड करके उस प्रोडक्ट को 123 रुपए 20 पैसे में सेल कर देंगे। इससे क्या हुआ, जो आपको टैक्स आपने दिया था वो आपका टैक्स भी आपका वसूल हो गया जो आप परचेज पर देकर आए थे, और आपको 10% जो मुनाफा लेना था वो मुनाफा भी आपके पास आ गया। भले ही आप ग्राहक से कलेक्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट कलेक्ट नहीं कर सकते टैक्स के नाम पर, लेकिन अपने प्रोडक्ट की वैल्यू में उसको ऐड कर सकते हैं और इसी तरह से आपको माल बेचना है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इस तरह से यदि हम माल बेचेंगे तो रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन है वो तो टैक्स ऐड नहीं करेंगे उसमें प्रोडक्ट की वैल्यू में, तो फिर हम कैसे उनके कंपटीशन में माल बेच पाएंगे। तो दोस्तों वो भी जो माल बेचेंगे वो 123 रुपए 20 पैसे का ही बेचेंगे। कैसे बेचेंगे, 100 रुपए का उन्होंने भी यही प्रोडक्ट परचेज किया, अब उस पर 10% वो मुनाफा ऐड करेंगे, वो टैक्स को ऐड नहीं करेंगे। मुनाफा ऐड किया तो उनको भी क्या हुआ, 110 रुपए का वो प्रोडक्ट हो गया। 100 रुपए का प्रोडक्ट, 10 रुपए उन्होंने मुनाफा उसमें ऐड कर दिया, तो 110 रुपए हो गए। अब इस 110 रुपए पर वो 12% टैक्स कैलकुलेट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे उस इनवॉइस में, तो 12% वो टैक्स लगाएंगे,
तो टैक्स लगाएंगे तो 13.20 रुपए यानी 110 रुपए पर 12% लगाएंगे तो 13.20 रुपए हो गया, और टोटल करेंगे तो 123.20 रुपए का वो भी वो माल बेचेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने टैक्स के नाम पर कलेक्ट कर लिया, ग्राहक से ले लिया, और आपने अपने प्रोडक्ट में ऐड कर दिया। तो दोनों की जो ग्राहक के पास जब माल बेचेंगे, ग्राहक को वो भी 123.20 रुपए का इस प्रोडक्ट को बेचेगा और आप भी 123.20 रुपए का प्रोडक्ट को बेचेंगे, तो आप कंपटीशन माल बेच सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अब एक बात और बताएं आपको कि आपको इनवॉइस किस प्रकार से बनाना है। आप इनवॉइस में टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे, टैक्स को उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो ये तो मैंने बता दिया कि आपने माल खरीदा और माल खरीदते समय आपने ऐड कर दिया टैक्स को और अपनी मुनाफा को भी ऐड करके बेच दिया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको इनवॉइस किस प्रकार से बनाना है, तो इसमें दोस्तों समझने वाली बात यह है कि पहले जो कंपोजिशन स्कीम थी, तो कंपोजिशन स्कीम में क्या था कि आप जो भी टर्नओवर है आपका, यानी जो भी आप सेल करते हैं, उस सेल का 1% आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, 0.5% CGST, 0.5% SGST, और जो रेस्टोरेंट संचालक है उनको 5% यानी 2.5% और 2.5% गवर्नमेंट को पे करना होता है, टोटल 5%, यानी मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को 1-1% और 5% जो रेस्टोरेंट संचालक है उनको। अब थोड़ा सा इसमें संशोधन हो गया है, संशोधन ये हुआ है कि अब आपको सिर्फ टैक्सेबल जो आइटम, टैक्सेबल प्रोडक्ट हैं, उनको सेल कर रहे हैं, उन्हीं पर आपको 1% टैक्स देना है। यदि आप निल रेटेड, जिन पर 0% टैक्स है, टैक्स नहीं है, ऐसे आइटम को यदि आप सेल कर रहे हैं तो उस पर आपको 1% नहीं देना है। अब तो फिर किस तरह से आप उसकी छटनी करेंगे, मान लीजिए एक ही इनवॉइस है और एक ही इनवॉइस में आपने क्या किया, कोई प्रोडक्ट ऐसा था जो 5% का था, कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो 12% का था, और उसी में राइस, जैसे मान लीजिए आप राइस पर निल रेटेड है, उस पर कोई टैक्स नहीं है और उसको भी आपने सेल कर दिया। तो जब आप जानकारी देंगे तो फिर किस तरह से आप उसमें से निकालेंगे कि टैक्सेबल आइटम की अलग से वैल्यू निकालना पड़ेगी, और उस टैक्सेबल आइटम जो आपने टैक्सेबल सेल किए उसकी आपको गवर्नमेंट को जानकारी देनी है और उसी पर 1% देना है। अब जो आपने राइस बेचा है तो राइस पर तो आपको देना नहीं है, तो किस तरह से निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका मेरी नज़र में यही है कि आप दो इनवॉइस बनाएं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे माल लेने आया और उसको आपने माल दिया, तो माल देते समय आप क्या करेंगे, जो भी टैक्सेबल आइटम बेच रहे हैं उसको उसका बिल बना दें एक, और उसके बाद अगर आप निल रेटेड माल भी उसको बेच रहे हैं तो उसका अलग से बिल बना दें। इससे फायदा ये होगा कि जब आप क्वार्टरली रिटर्न भरने जाएंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, अलग अलग दोनों को कर सकते हैं, उन बिलों को आप उसमें ऐड कर लेंगे, गवर्नमेंट को जानकारी देंगे तो उन बिलों को ऐड कर लेंगे जिन बिलों में आपने टैक्सेबल आइटम सेल किया है, प्रोडक्ट सेल किया है, और उन बिलों को छोड़ देंगे जिन इनवॉइस में आपने निल रेटेड आइटम या जिन पर टैक्स नहीं है ऐसे आइटम सेल किए हैं। तो आपको आसानी होगी यदि आप एक ही बिल में दोनों तरह के आइटम, निल रेटेड और जो टैक्सेबल आइटम है उनको भी रखेंगे, तो आपको छटनी करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आप दो बिल बना के दे सकते हैं, एक बिल में आप जो टैक्सेबल आइटम है उनको सेल कर देंगे और दूसरा जो बिल है उसमें आप निल रेटेड जो आइटम है उनको आप सेल कर देंगे। अब यहां पर अगला प्रश्न ये है कि कितना टैक्स पे करना है और टर्नओवर कितना है, इसे कैसे जाने। अब यहां पर एक बात और बताते हैं कि एक बिल मैंने आप बना के रखा है, यहां पर वो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको बिल बनाना है। टेली में हमने ये बिल बना के रखा है, देखिए ये बिल आपके सामने इस तरह से है। अब यहां पर क्या बिल ऑफ सप्लाई है, आपको बताया था कि आपको जो बिल बुक होगी उसके हर बिल पर आपको इस तरह से बिल ऑफ सप्लाई प्रिंट करवाना है, और इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पर है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, ये भी आपको प्रिंट कराना है। और बाकी उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट जो हमने लिए हैं ये कौन से प्रोडक्ट है जिन पर टैक्सेबल है, टैक्सेबल प्रोडक्ट है किसी पर, इन तीनों प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ टैक्स है, तो इसका हमने इस तरह से इनवॉइस बनाया। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई यहाँ पर 1260 रुपए सो रही है, टैक्स आपको कहीं भी यहाँ पर सो नहीं हो रहा है, ना CGST ना SGST, क्योंकि हम टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है। और यहाँ पर देखेंगे टैक्स अमाउंट में तो यहाँ पर निल सो रहा है, यानी कोई भी टैक्स हमने कलेक्ट नहीं किया है। तो इस तरह से आपको बिल बनाने हैं जो टैक्सेबल। और इसके अलावा अगर मान लीजिए आप निल रेटेड बेच रहे हैं तो निल रेटेड में क्या करेंगे, आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए राइस है, राइस स्टॉक आइटम है, उसको आप सेल करने जा रहे हैं, राइस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर राइस कर देंगे और इसको अलग से बना लेंगे। तो आप क्या करेंगे, जब आप GSTR 4 फाइल करने जाएंगे तो वहां पर सिर्फ जैसे ये वाला बिल है, इस बिल को आप उसमें ऐड करेंगे 1260 रुपए उसकी वैल्यू में ऐड कर देंगे, और इसके अलावा राइस वाला जो बिल है उसको आप जो GSTR 4 में जानकारी देने जाएंगे उसमें आप उसको नहीं ऐड करेंगे। अब अगला प्रश्न ये है
कि कितना टैक्स पे करना है और टर्नओवर कितना है, इसे किस तरह से जाने। अब यहां पर बताया था कि आपको कि आप मैन्युफैक्चरर भी ले सकते हैं, ट्रेडर्स भी ले सकते हैं और रेस्टोरेंट संचालक है वो भी कंपोजिशन टैक्सेबल कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद हमें ये तो बताइए कि हम टैक्स कितना पे करेंगे, क्या इसका हिसाब किताब है। तो दोस्तों इसका सीधा साधा हिसाब है, बहुत सरल, मैंने आपको बताया था कि सिंपल और इजी स्कीम है और आपको जो इजी है इसकी वो अब आपको समझ में आएगा कि कितना सिंपल है आपके लिए रिटर्न भरना, क्योंकि कितना टैक्स पे करना है तो आपका जो भी टर्नओवर है उसका आपको 1% टैक्स पे करना है, यानी 0.5% मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स के लिए। मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स को जिनका की 1.5 करोड़ से नीचे व्यवसाय है और उन्होंने कंपोजिशन स्कीम ले रखी है, तो उनको जो टैक्सेबल आइटम का टर्नओवर है उसी का आपको 1% देना है। और टर्नओवर कितना है इसको कैसे जाने, तो टैक्स कितना पे करना है, मान लीजिए आपने 1,00,000 रुपए की सेल की किसी क्वार्टर में, आपको क्वार्टरली रिटर्न भरना है, और एक किसी क्वार्टर में आपने 1,00,000 रुपए की सेल की और उस 1,00,000 रुपए में से 80,000 आपने टैक्सेबल प्रोडक्ट की सेल की और 20,000 नॉन रेटेड प्रोडक्ट की सेल की, तो आपको जो टैक्स आप पे करेंगे वो आपका 80,000 रुपए जो आपने टैक्सेबल सेल की है उसी पर आपको देना है 8,000 रुपए। ठीक है, तो ये तो हो गया टैक्स कितना पे करना है। अब चूंकि सेल आपने कितनी की है, 1,00,000 रुपए की सेल की है, तो 1,00,000 रुपए पर 1,000 रुपए, सॉरी 1,00,000 रुपए पर आपके 1,000 रुपए वैसे बनता है, लेकिन आपको क्या करना है कि 1,00,000 रुपए का आपने जो सेल की, 1,00,000 रुपए की सेल की और उसमें 80,000 रुपए की सेल की आपने टैक्सेबल आइटम की और 20,000 रुपए की सेल की नील रेटेड आइटम की, तो आप 80,000 रुपए पर आपको 1% के हिसाब से 800 रुपए, यानी 400 रुपए सीजीएसटी और 400 रुपए एसजीएसटी पे करना है ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर। अब जो आपने 20,000 रुपए की नील रेटेड सेल की है उस पर आपको 1% नहीं देना है, पहले पूरे टर्नओवर पर देना होता था, लेकिन अब आपको केवल टैक्सेबल जो आइटम है उसी के टर्नओवर पर आपको टैक्स देना है 1%, 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी और टोटल 1% आपको टैक्स पे करना है। अब इसमें से आपको जो मान लीजिए 1,00,000 रुपए की आपने सेल की, 80,000 रुपए की सेल जो आपने की वो टैक्सेबल आइटम सेल की है, तो उसकी आपको जानकारी देना है जीएसटी पोर्टल पर कि हमने 80,000 रुपए की सेल की और उस पर 800 रुपए टैक्स बना, 400 रुपए सीजीएसटी, 400 रुपए एसजीएसटी, आपको 800 रुपए पे कर देना है। अब 20,000 रुपए जो बचे नील रेटेड की तो टर्नओवर में वो भी एड होंगे, यानी टर्नओवर आपका 1,00,000 ही होगा लेकिन टैक्स पे आपको करना होगा 80,000 रुपए पर। अब आपको जो 1.5 करोड़ की आपकी लिमिट है, 1.5 करोड़ से नीचे की जो लिमिट है उसमें आपका चाहे आप टैक्सेबल आइटम सेल करें और चाहे नील रेटेड आइटम सेल करें आपका दोनों ही उसमें ऐड होगा। इस तरह से आप अपने टर्नओवर को जानें और टैक्स कितना पे करना है, तो जो टैक्सेबल आइटम आपने किसी क्वार्टर में सेल की है वो आपकी टैक्सेबल जो आइटम है उस पर जो भी टैक्स बनेगा वो आपको पे करना है, नील रेटेड जो आपने आइटम सेल किया है उस पर नहीं करना है आपको 1% टैक्स पे। और जो रेस्टोरेंट संचालक है उनको 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, यानी टोटल 5% टैक्स उनको पे करना है। तो आप समझ गए होंगे कि टैक्स पे कितने का करना है और टर्नओवर कितना है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को कौन सा रिटर्न भरना है और कब भरना है। तो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को सिर्फ GSTR-4 रिटर्न फाइल करना है, वो भी क्वार्टरली, यानी अप्रैल टू जून एक क्वार्टर है, तो अप्रैल टू जून क्वार्टर का जो हम GSTR-4 रिटर्न करेंगे वो जुलाई 18 तक हमको फाइल करना है, यानी जिस भी क्वार्टर का हम रिटर्न फाइल करने जाएंगे उसके नेक्स्ट ऑफ मंथ की 18 तारीख तक हमें उसको फाइल करना है। अब सिर्फ GSTR-4 आपको फाइल करना है क्वार्टरली, यहां पर सिर्फ आपको एक ही रिटर्न फाइल करना है, इसके अलावा 4 रिटर्न आपके हो जाएंगे पूरे अगर वर्ष में देखें तो आपको 4 रिटर्न भरने हैं GSTR-4, और इसके अलावा एक एनुअल रिटर्न भी आपको फाइल करना है 9A, जो कि आपको अगले सत्र में दिसंबर 31 तक करना है। मान लीजिए 18-19 ये सत्र चल रहा है और 18-19 सत्र का जो एनुअल रिटर्न है वो आपको अगला जो सत्र होगा 19-20 उसमें आपको 31 दिसंबर तक इस एनुअल रिटर्न को फाइल करना है, यानी हर आपको केवल क्वार्टरली GSTR-4 रिटर्न फाइल करना है। इसके अलावा एक बात और है कि आपको
जो सेल करेंगे आप सेल की जानकारी देंगे जीएसटी पोर्टल पर, तो वहां पर आपको बिल वाइज जानकारी नहीं देनी है, यानी आपने कितने बिल इनवॉइस काटे ये जानकारी देनी नहीं है, आपको सिर्फ कंसोलिडेट फिगर देना है, यानी तीन महीने में, यानी एक क्वार्टर है, उस क्वार्टर में हमने यदि 3 लाख की सेल की है तो वो 3 लाख रुपए की सिर्फ आपको जानकारी देनी है उसमें, और उसी पर आपको टैक्स पे करना है, कितने बिल आपने काटे, कितने इनवॉइस काटे, इसकी कोई जानकारी आपको वहां पर नहीं देना है। 3 लाख रुपए की आपने सेल की, उसमें से टैक्सेबल जितना आइटम है उस आइटम की आप वहां पर जानकारी दे देंगे और उस पर 1% आप टैक्स पे कर देंगे। अगला प्रश्न है कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन के लिए कि किसी क्वार्टर में यदि हमने कोई भी परचेज सेल नहीं की, क्या तब भी हमको रिटर्न फाइल करना होगा? मान लीजिए अप्रैल टू जून क्वार्टर है और इस क्वार्टर में हमने 1 भी रुपए की ना तो परचेज की और ना तो सेल की, तब भी क्या हमको रिटर्न फाइल करना होगा GSTR 4? तो दोस्तों इसका जवाब है यस। आपने भले ही जब आपने कुछ भी सेल परचेज किए किसी क्वार्टर में तब तो आपको भरना ही भरना है GSTR 4, लेकिन यदि आपने कोई भी परचेज या सेल किसी भी कारण से किसी क्वार्टर में नहीं किए तब भी आपको जीएसटी पोर्टल पर यह जानकारी देनी है, नील रिटर्न आपको तब भी फाइल करना है। अगला प्रश्न है कि यदि समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या लेट फी भी देनी होगी? दोस्तों इसका जवाब भी है यस। यदि आपने किसी क्वार्टर में, अप्रैल टू जून क्वार्टर है और उस क्वार्टर में यदि आपने कोई सेल और परचेज की है तो उसकी जुलाई 18 तक आपको जानकारी दे देनी है और टैक्स भी पे कर देना है, लेकिन यदि इसके बाद भी आप नहीं करते हैं तो जितना आप लेट होंगे 50 रुपए रोज के हिसाब से आप पर लेट फी लगेगी। इसके अलावा यदि किसी क्वार्टर में आपने 1 भी रुपए की सेल और परचेज नहीं की है तो उसकी भी जानकारी आपको उस क्वार्टर के अगले मंथ की 18 तारीख तक दे देनी है, उसके बाद यदि आप देते हैं तो इसमें आपको 20 रुपए रोज के हिसाब से पेनल्टी, वो लेट फी है वो आप पे लगेगी, ठीक है ना। यदि आपने जो है ना कोई भी सेल परचेज की है उसकी रिटर्न आप जो है समय निकलने की बात करते हैं तो 50 रुपए रोज की पेनल्टी लगेगी, और किसी क्वार्टर में आपने कोई भी परचेज सेल नहीं की है नील रिटर्न फाइल करना है और उसके लिए यदि आप लेट हो जाते तो आपको 20 रुपए रोज के हिसाब से पेनल्टी लेट फी आपको देनी होगी। अगला प्रश्न है कि इसके लिए कंडीशन क्या है? जो कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन है उनके लिए कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं और वो प्रतिबंध क्या है आइए उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला प्रतिबंध तो ये है कि आप एग्जेम्प्ट गुड सेल नहीं कर सकते। दूसरा प्रतिबंध ये है कि आप इंटर स्टेट सेल भी नहीं कर सकते, यानी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन सिर्फ अपनी स्टेट में ही सेल कर सकते हैं, इंट्रा स्टेट ही सेल कर सकते हैं, अपनी स्टेट से बाहर यानी इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते। और तीसरा प्रतिबंध यह है कि आप इनपुट टैक्स के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्लेम नहीं कर सकते। मैंने पहले ही आपको बताया था कि कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलती है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम दूसरे माध्यम से अपना जो प्रोडक्ट है उसमें उस प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स है उसको ऐड करके और उस ग्राहक से हम इस तरह से ले लेते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेल करते समय आप टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये भी आपने पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो ये कंडीशन है कि आप अपने राज्य से बाहर माल नहीं बेच पाएंगे, एग्जेम्प्ट जो गुड्स हैं उनको भी नहीं बेच पाएंगे और ITC के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगे और टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे माल बेचते समय। अब बात करते हैं एडवांटेज, इसके लाभ क्या हैं। तो दोस्तों मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये एक बहुत ही सरल और आसान स्कीम है कंपोजिशन स्कीम, और इस स्कीम के कुछ लाभ भी हैं। छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको ध्यान में रखकर इस स्कीम का लाभ दिया गया है, इस स्कीम का ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहला लाभ तो ये है कि अगर आप रेगुलर टैक्सेबल पर्सन होते, अगर आप रेगुलर रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो क्या होता कि आपको पहले अब तो केवल हर मंथ जो है GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करना होता है, लेकिन पहले हर महीने 3 रिटर्न GSTR 1, GSTR 2 और GSTR 3 भी 3 रिटर्न फाइल करने होते थे, और 3 महीने में यदि देखें तो 9 रिटर्न उनको फाइल करने होते थे। आपको यहाँ पर सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि आपको एक ही रिटर्न फाइल करना है 3 महीने में। दूसरा फायदा यह है कि आप जो सेल इनवॉइस देंगे तो सेल इनवॉइस देते समय आप सीधा जो उसका रेट है उस रेट को लगा देंगे, कहीं आपको टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है। मान लीजिए आप परचूनी के व्यापारी हैं, किराना स्टोर है, तो वहां पर क्या है 5%, 12%, 18%, 28%, 4% के आइटम होते हैं, टैक्स फ्री भी आइटम होते हैं। तो वहां पर यदि आप माल सेल करते आगे तो आपको बहुत दिक्कत आती कि हर जो
परसेंटेज वाला प्रोडक्ट है उसकी आपको जो टैक्स है उस पर उसको कैलकुलेट करना पड़ता, उसको ऐड करना पड़ता, तो ये बहुत मातापच्ची वाला काम था और आप नहीं कर पाते। तो क्या होता कि आपको किसी को हायर करना होता, मुनीम वगैरह को लगाना होता, रखना होता, तो उसके लिए आप पे आर्थिक बोझ अलग से बढ़ जाता। तो ये सब कुछ आपको नहीं करना है। तीसरी बात यह है कि आपको रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करना है, ना HSN कोड वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करना है और ना ही आपको टैक्सेबल टैक्स जो परसेंट है उस हिसाब से भी आपको कुछ भी मेंटेन नहीं करना है। आपको सीधे माल परचेज करना है और परचेज करने के बाद एक बिल बना के साधारण तरीके से बेच देना है। कोई टैक्स कैलकुलेट नहीं करना है और ना ही कोई आपको ये देखना है कि हमारे पास 5% वाला हमने कितना बेचा, 12% वाला प्रोडक्ट कितना बेचा, 18% वाला कितना बेचा। तो ये सब कुछ आपको नहीं करना है। तो ये इसके एडवांटेज हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको बता दिया कि जितने भी प्रश्न थे कंपोजिशन स्कीम से संबंधित, जो भी प्रश्न थे, जो मैंने समझा कि ये प्रश्न जो है आपको उलझा सकते हैं, इन प्रश्नों की आपको जानकारी लेना बहुत जरूरी है, तो वो प्रश्न मैंने करीब 12 प्रश्न यहाँ पर 12 सवाल मैंने यहाँ पर स्वयं तैयार किए और उन 12 सवालों के हमने आपको जवाब भी दिए। अब यहाँ पर एक बात और बताते हैं आपको कि मैंने आपको बताया है कि 1.5 करोड़ से नीचे, मैंने आपको बताया इसी स्कीम का लाभ कौन ले सकते हैं, तो बताया था कि 1.5 करोड़ से नीचे जिनका वार्षिक टर्नओवर है, ऐसे जो व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, वे इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको एक बात और बता दें कि सरकार ने जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, कुछ स्पेशल करीब 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, उनके लिए अलग से रूल है। उनके लिए क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश आदि जो 11 ऐसे हैं जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में रखे गए हैं, तो वहां पर इसकी लिमिट, कंपोजिशन स्कीम लेने की लिमिट 75 लाख रुपए रखी गई है। यानी 75 लाख रुपए से नीचे यदि उनका वार्षिक टर्नओवर है तभी वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाकी जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट से बाहर की जो भी स्टेट्स हैं उन सबके लिए लिमिट 1.5 करोड़ है। यानी 1.5 करोड़ से नीचे यदि कोई भी GST में रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस स्कीम को ले भी सकते हैं, इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको आज का विषय अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कंपोजिशन स्कीम के बारे में आपके जो जो भी सवाल हैं, मैं समझता हूं उन सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। और ये GST है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं रहता है, समय समय पर बदलती रहती हैं सरकार की गाइडलाइंस, तो आपको वो भी फॉलो करते रहना है, देखते रहना है कि आगे कौन कौन से अपडेट्स आते हैं और किस तरह से इसमें परिवर्तन होता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।